बिजली के क्षेत्र में मैं आज चार गारंटी देके जा रहा हूँ। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। दूसरा, पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। वी विल स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे। और चौथी चीज, किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी। खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली एक एवरेज परिवार यानी कि एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए 300 यूनिट बिजली एक बहुत बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो 300 यूनिट बिजली, हम ऑल ओवर 6 मेंबर हैं फैमिली में, तो इतना कंजम्पशन नहीं हो पाता। 200 यूनिट भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाता है, क्योंकि हम इतना कवर अप करके चलते हैं, इतना अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि बिजली को इतना यूज़ ना किया जाए। अगर 200 यूनिट पार हो गए तो जो अमाउंट का पर यूनिट जो चार्ज लगता है वो बढ़ जाएगा। बट अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त बांट रहे हैं, अब वो अपने मैनिफेस्टो में जगह जगह स्टेट वाइज जहाँ जहाँ रिलीज कर रहे हैं, वहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में डायरेक्टली उन्होंने बोला है। अभी रिसेंटली उन्होंने गोवा में बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 300 यूनिट तक की बिजली वो मुफ्त देंगे। बिजली के क्षेत्र में मैं आज चार गारंटी देके जा रहा हूँ। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। दूसरा, पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। उत्तराखंड में उन्होंने 200 यूनिट तक की बिजली देने का वादा करा। उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पंजाब में भी 200 से कुछ यूनिट बिजली मुफ्त, दिल्ली में तो ऑलरेडी चल ही रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। तो हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले समय में पूरा इंडिया बिजली का बिल पे ना करे। क्या बोला तूने? पूरा इंडिया बिजली का बिल पे ना करे। अच्छे विचार है मेरे, आप भी ऐसा सोच सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको 300-200 यूनिट के बिजली के बिल जैसा अमाउंट ना पे करना पड़े, तो आप ऐसी गवर्नमेंट को चुन सकते हो। पर कुछ न्यूज़ चैनल वाले और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट से ऐसी सर्विसेज लेंगे तो हम भिखारी बन जाएंगे। एज पर न्यूज एंकर, आपको ये देखना चाहिए, जब कोई सरकार फ्री वाली योजनाओं पर अपना खजाना लुटाती है तो उस राज्य का क्या हाल होता है। तो उनका कहना था कि क्या जब दिल्ली में बहुत स्प्रेड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट आई थी दोबारा फोर्स में, तब एक न्यूज़ एंकर थे, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से न्यूज़ चलाई थी, क्या दिल्ली वासियों को फ्री की आदत पड़ चुकी है, उनको देश के प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, क्या देश में जो टैक्स के पैसे बच रहे हैं या बिजली के पैसे बच रहे हैं उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्या उन्हें सिर्फ बिजली पानी मुफ्त जैसी चीज़ों पर ही फोकस करना है। तो ऐसा कुछ न्यूज़ एंकर ने बोला था। अगर आपको मालूम होगा तो आप बहुत अच्छे से नोटिस करोगे ये वाली बातें। अब फ्यूचर में हम जैसे युवा लोग क्या सोच सकते हैं? हम जैसे युवा लोग यही सोचेंगे कि हमारी फैमिली को 200 से 300 यूनिट तक के बिजली का बिल ना पे करना पड़े। बट इन यूपी इन अदर स्टेट्स ऐसा नाउ एट दिस टाइम कुछ नहीं है, पर इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। अगर हम अपने आप को एक कम्युनिटी, एक यूनिटी और एक अच्छे से मैनेज डेवलप करें अपने आप को, देन टारगेट रखें कि इस पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पार्टी को हम वोट देंगे, इन फ्यूचर वो हमारे साथ हमारे लिए पर्सनल वे पर या एक पॉलिटिकल उनका जो वे होगा उस पर अच्छा काम करेगी। सो ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आपके भी कुछ पर्सनल विचार होंगे। क्या आप भी एक एजेंडा लेके चलते हो अखंड भारत का, जिसमें आप चाहते हो कि नहीं, बिजली हमको नहीं चाहिए, बट हमारा जो पॉलिटिकल ये लीडर है वो ही आना चाहिए, चाहे ये एक फील्ड में काम चाहे जो करें, चाहे अच्छा करें बुरा करें, बट आएंगे ये ही। तो ऐसा कुछ अगर आपके मन में भी है तो आप अपना 300 यूनिट का बिजली का बिल ज़रूर पे करना। इन फरवरी में आम आदमी पार्टी स्टेट असेंबली में अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्या 300 यूनिट तक की बिजली का बिल गोवा वासियों को पे नहीं करना पड़ेगा?
बहुत अच्छा होगा इन यूपी अगर मुझको और मेरी फैमिली को 200 से 300 यूनिट तक का बिजली का बिल पे करना ना पड़े एज लाइक दिल्ली, तो काफ़ी अच्छा होगा। बट देखेंगे 2022 के स्टार्टिंग में जब यूपी में स्टेट असेंबली के चुनाव होंगे तब यहाँ पर क्या होगा। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं आएगी तो मेरी साइकिल, चलेगा तो मेरा हाथी और झाड़ू लगाएगी मेरी, तो बहुत सारे ऐसे स्लोगन आपके मन में होंगे। तो वो सारी जो भी बकचोदी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, बट अपनी अपनी राय ज़रूर देना कि जो 300 200 ये फ्री बिजली का जो मैनिफेस्टो और स्लोगन चल रहा है ना, ये मुझको काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अगर एक चीज़ देखते हैं, एक एवरेज पीपल एवरेज फैमिली को क्या चाहिए होता है कि वो अपनी जो डेली अर्निंग मंथली अर्निंग जो भी उनका सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो पूरी तरीके से बच जाए ताकि वो इन फ्यूचर में धीरे धीरे ग्रो कर पाए। ये जो उनकी बेसिक नीड है डेली बेसिस पर वो गवर्नमेंट ही पे कर देगी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता है सॉरी आवाज़ थोड़ी गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता है कि वो आपकी बेसिक नीड को अपने दम पर उठा सकती है। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इफ़ गवर्नमेंट ऐसा कर देती है तो उस जैसी आइडल गवर्नमेंट किसी स्टेट को नहीं मिलेगी। तो ऐसे मेरे विचार हैं, होप कि आपके भी विचार होंगे, बिकॉज यू ऑल्सो आर अ यूथ बेरोजगार और घर के प्रति अपनी कुछ टारगेट रखने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। होप के वीडियो के जो इमोशंस हैं और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाली वगैरह जो बकनी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तो जब तक के लिए बाय।